स्टार्ट करें आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस ऐप विच आई हैव बिन यूजिंग रिसेंटली और आई हैव बिन लविंग इट एंड यू गाइज नो जो चीज़ मुझे पसंद आती है आई ऑलवेज शेयर इट विद यू गाइज सो टाइम वेस्ट करे बगैर हम उस ऐप के बारे में बात करते हैं सो द ऐप दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज ब्लूम ये मैंने आपके सामने ब्लूम खोल दिया है अच्छा द रीजन आई वॉन्ट शेयर इट विद यू गाइज इस ऐप में बहुत सारी फन चीजें दैट यू गाइज कैन एक्सप्लोर एंड डू तो हम कैमरे को सबसे पहले खोलेंगे सो यू गाइज सी सामने आपकी लाइव कैमरा यू गाइस सी कि मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है बाय द वे मैंने इस वक्त कोई मेकअप नहीं किया है सिर्फ टिंट लगाया है दैट इज़ इट मैंने और कोई मेकअप नहीं किया इसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं दैट यू गाइस कैन एक्सप्लोर एंड यू नो बहुत मज़े के पिक्चर्स आ सकते हैं आजकल दुनिया फिल्टर हो चुकी है हर चीज़ में फिल्टर्ड है सो वाई नॉट टू यूज़ अ फिल्टर्ड सेल्फी कैमरा एज वेल थीम लेके आते हैं आप इसी को यूज़ करके थीम ला सकते हैं जैसे क्रीम के पास चलेगा यू सी दिस बहुत ब्राइट है बट आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं कितना ब्राइट जाना है या कितना लो जाना है आप उसको उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं देन वी हैव वाइट देन वी हैव ब्लश ओह आई लाइक दिस ऐप मजे की बात तो आपको बताना भूल गई इसमें हम बहुत फन से स्टिकर्स हम यूज़ कर सकते हैं एंड देन हम उन स्टिकर्स को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं लेट मी शो यू गाइज फॉर एग्जाम्पल अगर हेलो किटी का यूज़ कर लिया दो लिपस्टिक बहुत तेज़ है हम कोई और ट्राई करते हैं कोविड का ज़माना है तो हम मास्क वाला भी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं एंड यू सी मेरी आंखें भी कितनी खूबसूरत सी हो गई हैं सो एंड ऑल्सो क्लाउन अरे मेकअप करने की क्या ज़रूरत है हम ऑलरेडी ये फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं मेकअप भी कर सकते हैं अगर आप मेरी तरह बहुत सुस्त इंसान हैं और आपको मेकअप करने बड़ी कोफ्त आती है वीडियोज़ बनाने का बड़ा शौक है पिक्चर्स लेने का बड़ा शौक है सी हम ब्लश अप्लाई करते हैं पीच ओ हम आई कलर चेंज करते हैं बिकॉज मैं ग्रे लेंसेज पहनती हूँ तो हियर यू गो यू कैन इवन टेक अ पिक्चर और वीडियो पे जाके आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप अपने मुंह को स्लिम भी कर सकते हैं ये हो जाएगा स्लिम ओ माय गॉड लेट्स एक्सपेरिमेंट यू गाइस आज आप लोगों की ख्वाहिश मैं पूरी करती हूँ और अपने नाक को स्लिम करती हूँ एंड लेट्स सी अगर मुझ में क्या चेंज आता है अगर मैं ऐसी अच्छी हूँ या फिल्टर के साथ अच्छी जाऊँगी सो ये हो गया मेरा नाक पतला एंड आई लुक सो फनी भाई मुझे अपना पसंद है फिल्टर नहीं चाहिए इस चीज़ में आप सब कुछ कर सकते हैं अपने फेस को रीशेप कर सकते हैं आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको फेस को रीशेप करना चाहिए जस्ट बी हैप्पी विद वॉट एवर यू हैव जो भी अल्लाह ने आपको दिया है जस्ट बी हैप्पी विद इट बट येस अगर आपको फन के तौर पर करना है सो यू गाइस कैन डू दैट ऑल्सो मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई इसमें बहुत फन स्टिकर्स भी हैं जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं फन सी अपनी इमोजी बना सकते हैं पिक्चर बना के एंड देन वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को मैं ज़्यादा से पहले दो चीज़ें आपको दिखाऊंगी ये मेरा फेस है सेल्फी कैमरा के साथ तो ये है कैमरा विदाउट दी सेल्फी ऐप यू गाइस कैन सी आपको मेरी एक्नी भी नज़र आ रही है सो एंड अब ये चेंज है स्किन लुक सो स्मूथ जाएंगे अपने प्ले स्टोर पे लिखेंगे ब्लूम सेल्फी कैमरा एंड देन सबसे ऊपर आ जाएगा आपके पास ये ऐप इसको डाउनलोड कर दीजिए अगेन मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं ठीक है तो अब हम करेंगे इसको एंड लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द व्लॉग Hope you guys enjoy it. Bye. I was thinking to clean this fish tank. तो ये उठ जाए फिर मैं और पुप्पो साथ साथ फिश टैंक क्लीन करेंगे नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड ओके यू गाइज लुक एट हिम दिस लिटिल डकलिंग इज ग्रोइंग अप सो फास्ट इतना बड़ा तो हो गया मेरा बेबी इतना बड़ा बड़ा हो गया मेरा छोना दोबारा से सो गया पुप्पो जी जान एक ये ना अब माशाल्लाह से भारी हो गया तो उसकी गर्दन वोरी नीचे वोरी तो अब मैं इसको सोच रही हूँ बेड पे लिटा दूँ तो आई होप ये ग्रम्पी ना हो आउच आउच Hello? Huh?
अभी मैं उठती हूँ, आई होप मुझे बुलाया ना, मैं आप लोगों को देख भी नहीं पा रही हूँ प्रॉपरली। खुजली हो रही है, खुजली क्यों हो रही है? शर्मा रहा है। हेलो लन से हाय। वो इन्होंने तू बताओ आचा, इन्होंने बताओ आचा, इन्होंने बताओ आचा, चमु वाली है, तमु वाली पुपु तो चमू वाली है, वो तो ये ताऊ है, मॉस्किटो ने मारा है, पाली पाली थी आंखें, माशाल्लाह मेरे गुड्डू के पास। कम पुपु लेट्स क्लीन द फिश, कम। ये व्हाट इज दैट? Do you want to do it? Do you want to do it? Come, let's do it. Okay. You do it. Put it inside. No. Oh, well done. No, it's not good. This is really bad. Say sorry. Sorry to fish. Sorry, fish. Very bad. Say again. Say sorry, fish. फिश। ये जब बिल्दान का बर्थडे हुआ था तब मम्मी ये फिश लेके आई थी, इसके लिए ये लाई थी और पैरट्स लेके आई थी। दो पैरट मैं मर चुकी, हम एक्स्ट्रा दूसरे ले आए थे उनके पार्टनर्स, इनको जो ना जरूरत होती है इनके साथ कोई ना कोई हो। ये दो फिशेस थी, एक फिश बेचारी वफात पा गई है और दूसरी ये हंसना नहीं चाहिए मतलब बेचारी चली गई, और दूसरी ये रही। इसके साथ भी हमें को एक पार्टनर लाना ही पड़ेगा वरना ये भी मर सकती है बहुत जल्द। बिल्दान नो गुस्सा गुस्सा। व्हाइट कलर के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, इसकी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की भी होते हैं, कलर करते हैं ऊपर उनके होते हैं ऑब्वियसली, आई नो कलर कर देते हैं, बट वो मम्मी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, वो कहते हैं वो सी ग्रेड होते हैं चिक्स। हमारी इतनी मेमोरीज है इन चिक्स से, हमारे दादा जान होते थे उनके पास एक पूरा कमरा होता था जिनमें बहुत बर्ड्स वो रखते थे, हर तरह की बर्ड्स होती थी उनके पास। पापा जी चीकी टच इट, वो व्हाट इज दिस, चीकी दो चीकी चीकी, डर भी नहीं रहा है। आपको और भी दिखाते हैं, मेरे दादा जहाँ होते थे उनके पास वो बहुत बहुत शौकीन होते थे इन बर्ड्स वगैरह के, बटेर तीतर पता नहीं कौन कौन से बर्ड्स होते थे उनके पास, और वो शौक का मेहरान ये पालना स्टार्ट किया, बारी बारी हमारे घर में दूसरे दूसरे के बर्ड्स आते जा रहे हैं। ये रहे एक, ये रहा दो, ये रहे एक, ये रहा, वो उसके ऊपर चढ़ गया है बिल्कुल। हाँ ये है बटेर साहब जो कि बहुत चुल है, इनमें इनमें सबसे ज्यादा चुल है, जिनमें सबसे ज्यादा चुल है। चिकन को कहाँ करते हो पूपू? ओके 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 आउस आउस आउस
ओके होल्ड देम ओ गया बटेर गया बस पास ये बर्ड्स आई वाइट एंड नीली देयर फोर इन टोटल बट एक बेचारी मर गई दूसरी बेचारी उड़ गई देन हमारे पास ये मिट्ठू सा हुआ है मिट्ठू नाउ दिस चिकीज हमारा घर एक चिड़ियाघर जो कोई कम नहीं लग रहा है और everyone welcome back to another clip ये वाला ब्लॉग ज़्यादा ही बड़ा हो गया है मैं एक दिन से आज मम्मा भी डिस्चार्ज होके आएंगे if you guys haven't seen that vlog link would be in the description box go and watch that उस दिन ये same day है just by the way and you know बहुत ज़्यादा ही मैंने ब्लॉग कर दिया है क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग है so I'm going to divide it divide already ब्लॉग हो चुका है ये बीच में आप कहीं देख रहे हैं बट एनी वेज मैंने अभी जो मैंने ये व्लॉग कर रही हूँ वाई एम आई व्लॉगिंग ओके सो 12 बजने में है अभी 10 मिनट के बाद हो जाएगा 26th November एंड 26th November को है भाभी और मेहान की निका एनिवर्सरी सो मैं उनके लिए गई थी एंड आई गॉट देम सम पेस्ट्रीज आई विल शो यू गाइस राइट नाउ केक हमारे पास अभी बहुत आने वाले हैं एंड ऑलरेडी हम लोगों ने इतने ज़्यादा केक खाए हैं कि और मोस्टली केक खाने का खैर पेस्ट्रीज ऑल्सो अ केक बट द थिंग इज हमारे जो केक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत केक्स आते हैं तो वो जो पिछले वाला केक वो अभी तक पड़ा हुआ ही होता है और वो वेस्ट हो जाता है सो दैट इज़ द रीज़न आई डिसाइडेड कि हम पेस्ट्रीज ही ले लेते हैं आई गॉट 4 इन टोटल को भी हमने खाने को मना किया है बिकॉज मम्मा का डायबिटीज़ आया है सो हम उसको अवॉइड कर रहे हैं बट स्टिल आई गॉट इट तो यहाँ पर मैं वो क्लिप इंसर्ट करूँगी जब मैं लेने गई थी एंड जो मैंने लिखवाया था सो गो एंड वॉच दैट क्लिप एंड राइट बैक ठीक है एक में लिखिएगा हैप्पी इसमें लिखे हैप्पी इस पे लिखे वेडिंग या एनिवर्सरी या टेढ़ा लिखे जाएगा ऐसे लोग नहीं हाँ ए डबल एन आर को एस बस अब वो खराब हो चुका है यहाँ पे लिखे सिद्रा एंड मेहरान मैंने बड़ी मुश्किलों से कंबलों के बीच में अपने फ़ोन को सेट किया है सो मैं सारा निकालती हूँ एंड देन आई विल शो यू गाइस सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट मैंने लिखवाया है हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी उन्होंने स्पेलिंग गलत कर दी सिद्रा एंड मेहरान दो मैंने चॉकलेट न्यूट्रेला करवाए हैं एंड दो फज करवाए हैं एक भंड हो गया गाइस जहाँ से मैं स्पार्किंग कैंडल लेने गई थी उनके पास एक लास्ट स्पार्किंग कैंडल बच रही थी बट उसका नीचे का जो होल्डर होता है ना दैट यू नो जो जिससे हम लगाते हैं वो नहीं था अब आई डोंट नो उसको मैं कैसे लगाऊं अभी लाइक मैं उसको बीच में लगाती हूँ लेट्स सी इधर दबाते हैं वाला मैं इसको मम्मा के पास लेके जाऊंगी एंड आई विश मैं बलून्स और बाकी चीज़ें भी कर सकती द स्प्रे एंड ऑल इसके मैं गई मेहरान और भाभी के साथ ही उनको कुछ सामान लेना था सो आई वाज लाइक आई एम आल्सो कमिंग विद यू गाइस तो दे ड्रॉप्ड मी एंड उन्होंने अपना काम किया गाड़ी भी करीबी थी तो फिर मैं वहाँ पर वापस खुद से चली गई थी या 12 बजे में सिर्फ 3 मिनट हैं गाइस अम्मी के पास इसको लेके चलते हैं एंड लेट्स सरप्राइज देम तो मैं और अम्मी लेके जा रहे हैं एक्साइटेड अम्मी पर आपको खाने के लिए परमिशन बिल्कुल भी नहीं है मम्मी क्या कर रहे हो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी तो याद था कि नहीं हाँ ना आप लोग के साथ चली थी ना मैं आज पता नहीं चला अच्छा तुम थोड़ी देर के लिए इसलिए गायब हुई थी हाँ भाभी और मेहरान क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर दिस इज हैप्पी दिस इज वेडिंग दिस इज एनिवर्सरी दिस इज सिद्रा एंड मेहरान ये हैप्पी एनिवर्सरी
आई होप आप लोग को पसंद आया है। सबर करें, ये मैं फाउंटेन कैंडल नहीं जलाऊंगी क्या? पैसे खर्च किए मैंने उस पर, क्या हो गया? नहीं, रिसेंट सा केक है भाई। मैंने केक खुद ही बनाया है। दिस इज ब्राउनी बाय द वे, वेयर इज केक? मेड रीजन भी हो, गलत होने वाला है। नहीं सुने, केक मुझे चाहिए, कल चाहिए, कल का पूरा दिन है तुम्हारे पास, ठीक है? चले इंशाल्लाह। द रीजन मैंने केक नहीं ना, क्योंकि एक तो ये है इनकी डायबिटीज है, केक होगा इनको करना पड़ जाएगा। अच्छा तो ये भी कोई कम नहीं है। दूसरा बस वेस्ट हो जाता है ना। मैंने कुछ एफर्ट किया उसके लिए, ऐसा बोला जाए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा देख के। पूरे 12 बजे विश किया है युसरा ने। Yes, it's 12:09 तो 9 मिनट तो हो गए ना बात करते करते। हैप्पी वेडिंग। हाँ, आज नहीं पा रही थी आज। हाँ, आज मॉम थी तो इसलिए इसकी थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि मॉम आहिस्ता ऑब्वियसली उठ उठ के आ रही थी। तो माफ है, माफ है। देखिए आपके पास चॉइसेस हैं। माफ है, नहीं मैं अपने टाइम पे उठी थी पता है। अच्छा मैं काटू अब? नहीं नहीं, वो फाउंटेन कैंडल। एनी वर कितने सालों से दूसरे को झेल रहे हैं आप दोनों? इट्स बिन 4 इयर्स से झेल रहे हैं। अभी तो शुरुआत है बच्चा। अभी तो शुरुआत है गाइस, 4 साल इज नथिंग। शुरुआत हो चुकी है। 4 साल इज नथिंग। द आंसर इज राइट नाउ। आंसर मी राइट नाउ, इज इट ट्रू? वो तो कैमरे के सामने आपके सामने स्पेशली तो यही बोलेगा। क्यों पूछ रहे हो? कुछ और था। अम्मी आप पता है तारीख में कह रही है, भाभी उसको बाजार में लेके जाएंगी। तो बस बताएं कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा ये डिफरेंट फ्लेवर हैं, बताएं आप, बताएं। ये फज है यार, मुझे तो सारे चॉकलेट के फ्लेवर एक जैसे लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई। दो हैं ये आपको मैंने दे दिया है, दो हैं। अब एक फज और दूसरा कौन सा? दिस इज चॉकलेट फज एंड दिस इज चॉकलेट चिप। We'll see. ये बताएं कौन सा था? जो भी था मजे का था। It was fudge. Yes, it was fudge. मतलब खुद ही खाएंगे दूसरा जज। नहीं और पहले फज खा लिया। ये अब हमारे नसीब में इतना ही। Excuse me. Oh. Excuse me. So sad. यार ये क्या बदतमीजी है यार। उनको थोड़ी सी डायबिटीज है तो थोड़ी सी डायबिटीज होती है। चल कोई नहीं, अभी तो मेरी रेंज से भी कम थी। क्या हो गया, हमें मजे ले लेके खा सकते हैं। खा लो। एक्सक्यूज मी, मेरा पीस भी खा गई। यम्मी। मैं खिला रही था, खुद ही खाने लग गई। जाएं दोनों साथ काटे। एंड दैट समबडी इज दिस गाय, नेवर इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। क्या कहना चाहेंगी आप इस बंदे के बारे में? ही इज माय लव। ये बंदा इश्तियाकी है, हर किसी को इसकी जरूरत है। मोस्ट वांटेड बंदा। You go. ये जो है ना इधर बैठे हैं। मुझे ना दाने हो रहे हैं यार। आस्ते आस्ते खाएंगे, थोड़ा सा खाओ ना। बताओ ये क्या दादा के लिए? एक तो बंदा केक भी लेकर आया, खाओ भी सारा। नहीं सारा नहीं खाना, ये बता दिया फज है ये खाओ। वैसे फज नहीं है ये खाओ। मुझे तो सारे चॉकलेट केक एक जैसे लगते हैं। ये कैडबरी
क्लोज नो मैं बताऊं चॉकलेट द मैं बताऊं ये फज था सही बोला दिस वाज न्यूटेला न्यूटेला जो थी ना वो थोड़ा सस्ती यूज की गई है मैंने थोड़ी ना बनाई है यार ये लोग होते हैं गौर से देखिए इन दोनों को गौर से देखिए इन लोगों को ड्रामे करवा ले इन लोगों से थैंक यू सो मच एक्स्ट्रा बहुत मजा आया तो हमारे लिए इतने मजे मजे की केक लेकर आए ब्राउनी केक की मूल मैं तो ये सिद्रा मेहरान वाला खाऊंगी आपने अभी तक मेरी तारीफ प्रॉपर नहीं की है व्हाटएवर ये व्हाटएवर क्या होता है रुको मेरी तारीफ यम्मी थैंक यू सो मच शिश्रा थैंक यू किया बात थैंक यू आई एम ओवरवेल्म्ड तो मेरे लिए रात को मिडनाइट सरप्राइज लेकर आए हमारे लिए एक्चुअली दिस मींस अ लॉट थैंक यू आई मीन इट यू आर वेलकम वेयर इज द केक मूल केक मूल बोले ऐसे मांगे जाते हैं रिंग लाइट भी तो वैसी ओ गॉड ये काट दूंगी मैं अभी कह रही हूँ कि मेरे पीछे रिंग लाइट भी आ गई मैंने कहा अच्छी बात है ना वाइब आती है ब्लॉगर्स का कमरा तो वैसे यू यू ब्लॉगर्स हैं ब्लॉगर्स ओके व्हाटएवर ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स वी आर आल्सो ब्लॉगर्स यस हमारे पास इंस्टाग्राम है रिस्पेक्ट इट्स रिस्पेक्ट अस रिस्पेक्ट अस कम ऑन ये रिस्पेक्ट करता है मुझे मार मार के ये है हमारी रिस्पेक्ट उठ के जा रहा हुई हमारी भाभी हमारी हुई बट इतनी नहीं इतनी नहीं हुई हुई बहुत है बहुत हुई है होती रहती है बट इतनी नहीं हुई जब रिस्पेक्ट की बात की उठ के चला गया भाई रिस्पेक्ट में उठते हैं विश्वास में उठ गए थोड़ा सा मुझे बता देती हूँ तैयार शारों के बैठ जाती तो वो सरप्राइज का मतलब क्या होता फिर ये तो है वैसे ये तो है सरप्राइज तो लिपस्टिक लगा के आ गई है मैंने पता मेकअप नहीं किया मैंने प्रिंट लगाया है मुझे भी दे देती यार आज 26 नवंबर को तो थी इनकी वेडिंग एनिवर्सरी और इस टाइम हम सब बहुत स्लीपी हो रहे हैं तो बातें नहीं आ रही हैं नहीं बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा सरप्राइज था और मुझे लाइक मुझे था आई डोंट नो था या नहीं था मैंने कहा ठीक है अगर होता भी तो ठीक था नहीं होता तो भी ठीक था नहीं मुझे करना था इरादा जो भी है वेरी स्पेशल टू अस टू बोथ ऑफ अस टू मेहरान एंड टू मी आल्सो थैंक यू सो मच एंड आई जस्ट लव चॉकलेट जैसी भी लेकिन करना था क्योंकि विल्दान इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी व्हाट विल्दान आया था विल्दान इस दिन नहीं आया था बट इस एक मिनट का जो सही बोला हो थैंक यू यश्रा दिस मीन्स अ लॉट और इस पर आप देख सकते हैं इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है मेहरान का भी नाम लिखा हुआ है यस थैंक यू सो मच आई लव यू आई मीन टू से यार बहुत बुरी है नहीं मैं इसको तपा रही हूँ छेड़ रही हूँ ये भी रीजन था मैंने कहा ये टाइम है 12 बजे के बाद जो सरप्राइजेस मिलते हैं वो बहुत प्रेशियस होते हैं अच्छे होते हैं पता हो ना हो वो अच्छा लगता है तो मैंने कहा छोटा सा ही सही एटलीस्ट उनको याद रहे कि हमें याद था थैंक यू सो मच आई नो आप लोग सब कमेंट्स में मुझे विश करने वाले हैं मतलब होंगे कर रहे होंगे सबको थैंक यू सो मच इन एडवांस थैंक यू सो मच यू गाइस आर क्लोज टू माय हार्ट यू गाइस आर अमेजिंग नंद का होता है ना हम लोग दोस्त भी हैं क्योंकि शादी से पहले से हम भाभी लोगों को जानती हूँ दो हाँ मिली मुझे वैसे तरीके से बट हम लोग की दोस्ती भी है बॉन्ड भी है भाभी वो वाला गिफ्ट याद दिलाएं जो आपने मुझे पहला दिया था दैट कलरिंग वाला हाँ कलर्स जब मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी तब मैं थी कोई क्लास 8 में यस और मैंने इसको कलर बुक कलर्स दिए थे तो मुझे क्या पता आई थॉट कि छोटी सी बच्ची मैंने कहा था कि छोटी बहन है हाँ तो 8th क्लास में बच्चे ही होते हैं
कुछ सालों बाद जब हम लोग ऐसे बातें निकाल रहे थे, ऐसे हम डिस्कशन कर रहे थे, पुरानी मेमोरीज पर बात कर रहे थे, कहने लगी कि उस टाइम मुझे तो लगा था पता नहीं कितनी छोटी होगी तो कि मैं तुम्हें कलर्स दिए, बट वो कलर्स काफी टाइम तक मेरे पास और सेम टाइम मैंने इतना बड़ा इसे बेयर वो अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ है वो, ऊपर पेटी में, पेटी क्या होता है, संदूक में, बट वो इतना अच्छा था, वो बहुत बड़ा था, मुझे सरप्राइज था, बड़ा वाला बेयर था और वो मैंने अपनी पॉकेट मनी से लेके दिया था, मेरे पास पड़ा हुआ है वो सीरियसली, क्योंकि वो मैला हो गया था, मम्मी ने बंद कर दिया था, वो मुझे मिला था अपनी 16th बर्थडे पे आपने दिया था। हम लोग अभी तो हैं ही हैं क्लोज, लेकिन पहले हम लोग बहुत ज्यादा बातें करते थे और बहुत ज्यादा लाइक बहुत अच्छा हमारा बॉन्ड है, अभी भी है, मतलब वो शुरू शुरू की बात करें कि कैसे हमारा स्टार्ट हुआ, तो उसमें हम लोग गिफ्ट्स भी देते थे एक दूसरे को, तो मैंने एक बड़ा सा बेयर दिया था मुझे याद है, इवेंट एक मतलब दोनों साइड से बैलेंस होना चाहिए, ये सही वर्ड है, तो हम लोग में बैलेंस था, बैलेंस और अभी भी है, अभी भी है, हम प्यार भी करते हैं, लड़ते भी हैं, नहीं हमारी इतनी अच्छी है कि फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नेक्स्ट डे दोबारा से वैसे हुए वो होते हैं, मतलब एक अजीब सा एक अलग सा बॉन्ड है, और सब लोग माशाल्लाह 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 वी आर ब्लेस्ड, और के हम लोग, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने अच्छे इन-लॉज मिले, बहुत ब्लेस्ड है कि इन्हें अच्छी सी भाभी जब भाभी की स्पेसिफिक बंद करे तो मुझे नंद के बारे में बोले ना, इन-लॉज की खुश रहे, हमेशा साथ रहे, ग्रो ऑल टुगेदर, मेरा तो चला गया बहना के साथ, ग्रो ऑल टुगेदर, मेरा होपफुली ब्लॉग इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके गाइस, आई एम बैक इन माय रूम, सो या मैं इसी पॉइंट पे ये व्लॉग करूंगी एंड, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड, आई नो ये व्लॉग थोड़ा सा ऑल ओवर द प्लेस है, बट या मैंने सोचा था एक चीज पे डेडिकेटेड रह के आप लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं, सो लेट्स जस्ट कंबाइन यू नो बहुत सारी इवेंट्स टुगेदर, सो दिस वाज इट यू गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, subscribe to my channel if you're new, and if you're a regular customer but still you guys are not subscribed to my channel, why subscribe to my channel, and also do click that bell icon as well so you guys do not miss out on my future videos, aapki notification bar se meri future videos miss out now, and I'm gonna see you guys soon inshallah in my next video, until then take care of yourself, stay healthy, stay positive, stay safe, Allah Hafiz, fi amanillah you guys.